हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षन, वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। सो कुछ हफ्ते पहले नवरा मजा नवसाता 2 फिल्म के अनाउंसमेंट से मराठी इंडस्ट्री एक बार फिर जाग उठी थी। एंड अब रिसेंटली यानी कि शिव जयंती पे और एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई, और ये हुई रितेश देशमुख की तरफ से, जहाँ रितेश देशमुख ने अनाउंस की उनकी अपकमिंग मराठी ईश्वरकर फिल्म जिसका नाम है राजा शिवाजी, जो हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। एंड इस फिल्म के मेकर्स ने रिलीज किया प्रोजेक्ट का टाइटल और रितेश देशमुख के शैडो वाला पोस्टर। लाइक सीरियसली कह रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट होगी ये तो पता था, बट अब होगी इसका जरा भी आइडिया नहीं था, और वो भी रितेश देशमुख एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ये तो सरप्राइजिंग है भाई। अब इस फिल्म के लिए मैं क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रितेश देशमुख से जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे जियो स्टूडियोज के साथ, यानी कि बजट और मार्केटिंग की चिंता अब छोड़ दो। वैसे भी जियो स्टूडियोज के पास अपनी खुद की इंटरनल मार्केटिंग टीम तो है ही, एंड उसी के साथ बाकी के डिजिटल प्रमोशन के लिए शायद रितेश देशमुख बड़ी बड़ी एजेंसीज को अप्रोच करे उनकी मार्केटिंग कैंपेन चलाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2020 में हो चुकी थी एज अ ट्रायलॉजी सीरीज, एंड पहले पार्ट का नाम रखा था शिवाजी, जिसको नागराज मंजुले डायरेक्ट करने वाले थे, बट रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई उसमें नागराज मंजुले का नाम दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। अब यार दो पॉसिबिलिटीज है, तो रितेश और नागराज मंजुले के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आए हो, या फिर नागराज मंजुले अपने खाशाबा फिल्म के प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि खुद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड डेट्स ना होने के कारण उन्होंने शायद इस फिल्म से बैकआउट कर लिया। और क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी 4 साल डिले हो चुकी, तो और वेट ना करते हुए रितेश देशमुख ने खुद डिसाइड कर लिया कि वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस भी करेंगे। एक्जैक्टली जैसे वेट फिल्म के साथ हुआ था, अभी राजा शिवाजी के साथ भी रितेश देशमुख के डायरेक्शन का जादू यहाँ पे चलने वाला है। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, ऑडियंस का सिर्फ एक ही कहना कि फाइनली हम एक अच्छे प्रोडक्शन में बनी हुई हिस्टोरिकल फिल्म देखने को मिलने वाली है। आता मराठीत मिलते चित्रपटाच्या पोस्टरवरती लिहिलं की हा चित्रपट हिंदी आणि मराठी भाषेत रिलीज होणार आहे, आणि जर रिस्पॉन्स चांगला असेल तर माझी मेकर्सला विनंती असेल की हा चित्रपट साऊथच्या भाषेत सुद्धा रिलीज करावा। हा चित्रपट पुढच्या वर्षी रिलीज व्हायला गेला म्हणजे प्रोडक्शन आणि पोस्ट प्रोडक्शन साठी भरपूर वेळ आहे, आणि मला मनापासून विश्वास आहे की रितेश देशमुख जास्त काही न करता पोस्ट प्रोडक्शनचं काम चांगलं करून घेतील। रितेश भाऊ की पिक्चर उसमें अजय अतुल का म्युझिक ना वैसे कभी हो ही नहीं सकता। वेड तो फिर भी एक रोमांटिक फिल्म थे जिसके सारे गाने चार्टबस्टर हो गए थे, एंड ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है। सो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग बीजीएम एंड फिल्म के गाने, यहाँ पे अजय अतुल से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। फिल्म चले या ना चले, बट गाने यहाँ पे चलने चाहिए भाई। रितेश देशमुख की मुंबई फिल्म कंपनी प्लस जियो स्टूडियोज फिल्म को जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे, सो शायद इस फिल्म का बजट 30-50 करोड़ भी हो सकता है। एंड एक्चुअली देखा जाए तो फिल्म का बजट उतना होना ही चाहिए, तब जाके फिल्म एक अच्छे स्केल पर बन पाएगी। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन होने वाली है तो मेकर्स ने जरा भी रिवील नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हीरोइन होनी चाहिए जिनकी फेस वैल्यू मराठी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, एंड इससे दो नाम आते हैं, सईद आमनकर और मृणाल ठाकुर। वेल, आपको क्या लगता है कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइव अचीवमेंट इतनी बड़ी है कि 2 या फिर 2.5 घंटे की फिल्म भी कवर नहीं कर पाएगी, एंड इसलिए फिल्म को ट्रायलॉजी सीरीज में आना ही पड़ेगा। अगर आपने फिल्म का पोस्टर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे और एक नाम लिखा हुआ है, संतोष सिवन का, जो इंडियन सिनेमा की नेशनल अवार्ड विनर सिनेमाटोग्राफर है। दिल से, रावण, थुपकी और स्पाइडर जैसे फिल्मों के लिए अपनी सिनेमाटोग्राफी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा फिल्में इन्होंने की अपनी करियर लाइफ में। तो यस, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि एक बेस्ट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस वाली फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाओ। वेड फिल्म के बाद रितेश देशमुख एक बार फिर अपनी फिल्म का म्यूजिक खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, और उनकी म्यूजिक कंपनी का नाम है देश म्यूजिक। तो ना टी सीरीज चाहिए और ना जी चाहिए, खुद ही अपना सब कुछ कर लो। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आपको मेरा वीडियो कितना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।